चलिए अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई हुई एक नई वेब सीरीज की। हम बात कर रहे हैं स्कैम 1992 की, जो हर्षद मेहता के फाइनेंशियल स्कैम पर आधारित है। कैसी है ये सीरीज और क्या आपको वाकई में देखनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। स्कैम 1992 ये सोनी लिव की वो सीरीज है जिसने प्रतीक गांधी को रातों रात वैसे ही चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है जैसे कि एक वक्त स्टॉक मार्केट के घोटाले वाले असली हर्षद मेहता को चर्चा में ला दिया था। फर्क ये है कि प्रतीक ने एक्टिंग के जबरदस्त टैलेंट को दिखाकर एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स में अपने शेयर्स बढ़वा दिए हैं। स्कैम किया है, नॉर्मली लोगों को सजा मिलती है, आपको तारीफें मिल रही है स्कैम के लिए। मतलब ये तो एक्चुअली बहुत अजीब सी बात है कि स्कैम करने के बाद इतना प्यार मिल रहा है, इतनी तारीफें मिल रही हैं। स्कैम 1992 की कहानी सन 1992 के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के घोटाले की है जिसने स्टॉक मार्केट के बिग बुल हर्षद मेहता को बिग फ्रॉड बना दिया था और कैसे सरकारी सिस्टम के साथ कई सारे पॉलिटिशियंस की पोल खुली थी। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि कहानी स्कैम की है और वो भी इंडिया के सबसे बड़े घोटालों में से एक की। लेकिन ये घोटाला कैसे हुआ, इस बात को निर्देशक हंसल मेहता ने इतने अच्छे तरीके से दर्शाया है कि आप एक सेकंड के लिए भी अपनी जगह से नहीं हट पाएंगे। और रिव्यूज के तौर पर बहुत अप्रिसिएशन मिला है, क्या कहना चाहेंगे स्कैम 1992 के बारे में? 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये शो बना है और इस पैंडेमिक के दौरान लोगों तक पहुंचा है, वो अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा टास्क था और कि मुझे खुशी होती है कि उसके बाद लोगों तक इस तरह से पहुंचा है। इससे ना ही हमें प्यार मिला है बल्कि हमारे एक्टर्स जो मतलब थिएटर से आए हुए हैं, सालों से अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो जिस तरह से लोगों ने सराहा है तो उससे एक चीज प्रूव साबित होती है कि टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, क्या कहेंगे, मैं 10 एपिसोड तक ही लोगों को, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में भी नॉलेज नहीं है, उनको स्टॉक मार्केट के नॉलेज के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। देखिए, हमने जब लिखा था ना, जो मेरे राइटर्स हैं सुमित पुरोहित, सौरभ डे, करण व्यास और वैभव विशाल, इन लोगों ने मिलके जो स्क्रिप्ट लिखी थी, 550 पेज की स्क्रिप्ट थी, बड़ी स्क्रिप्ट थी। और उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए मुझे ये फीलिंग तो हो चुका था कि ये शो लोगों को पसंद आना चाहिए, क्योंकि हमने इस शो में कहीं पर भी ऑडियंस को, जो हम अक्सर एक जो कहते हैं ना कि ऑडियंस की इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करते हुए हमने शो लिखा है, हमने हमेशा ये अज्यूम किया कि हमारी ऑडियंस इंटेलिजेंट है, समझेगी, उसको पता चलेगा अगर हमारा ड्रामा सही रहा। तो हमने इस स्क्रिप्ट लिखने का प्रोसेस 2 साल का था, उसके बाद अगस्त से शूटिंग शुरू की थी और 5 मार्च को ये शूटिंग कंप्लीट हुई इस साल, पैंडेमिक ये लॉकडाउन के ठीक 2 हफ्ते पहले। 1992 की मुंबई जो उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा और वो भी एक अच्छे आर्ट डायरेक्शन के साथ। लेकिन स्कैम 1992 आप प्रतीक गांधी की एक्टिंग के लिए जरूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज के बाद शायद प्रतीक दूसरे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन सकते हैं। कैसा था पूरा शूट एक्सपीरियंस? बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि 90s का टाइम तो ऐसा था कि जब मैं स्कूल में था, तो मतलब मुझे वो 90s का टाइम धुंधला सा याद है, तो मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक फील थी जब हम लोग ये पूरा रिक्रिएट कर रहे थे। और उसी चीज को जब रिक्रिएट किया तो बहुत सरियल लग रहा था कि मैं वापस शायद टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट के कांड में उस वक्त के बैंक्स, नेता और पीएम का नाम जब सामने आया था, तो ये सीरीज ना सिर्फ उस वक्त इन सब की चपेट में आए आम लोगों को यादें ताजा करवा देगी, बल्कि नई पीढ़ी को भी बखूबी बताएगी कि स्कैम 1992 था क्या। वैसे प्रतीक ने यह भी बताया कि गांधी सरनेम की वजह से उन पर असल जिंदगी में कैसे भार आता है। ऐसा है ना कि गांधी सरनेम बहुत प्रेशर के साथ आपको मिलती है, वैसा है तो छोटा था तब से ऐसा था कि नहीं, तुम तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो मस्ती नहीं कर सकते, तुम्हें तो कुछ कर मतलब मजाक भी नहीं कर सकते, तो मुझे हमेशा मतलब सीरियस ही रहना है, सिंसियर ही रहना है, वैसा था। वो पीएचडी हो गई है स्टॉक एक्सचेंज और कॉमर्स वर्ल्ड में, अगर कह सके तो।
देखिए वैसे तो मैं गुजराती हूँ तो मुझे ये सब आना ही चाहिए ऐसा लोग मानते हैं, पर मुझे कभी समझ में नहीं आया स्टॉक मार्केट, ना कभी कुछ फाइनेंशियल चीजें समझ में आई। एक तो मैं इंजीनियर हूँ, ऊपर से मैं एक्टर हूँ, और इन दोनों लोगों का शायद फाइनेंस से लेना देना दूर दूर तक नहीं होता है। पर हाँ मतलब काफी कुछ जानने मिला स्कैम के रिलेटेड, ये जो पूरी टेक्निकलिटीज थी, ट्रांजेक्शन जैसे होते थे तब बिना कंप्यूटर के भी जैसे पूरा शेयर मार्केट ऑपरेट होता था, वो चीजें बहुत जानने लायक थी, बहुत फैसिनेटिंग थी। और बेसिक तो कुछ समझ में आया है तो शायद मैं अभी आगे जाके शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूंगा। स्कैम 1992 सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन और अच्छे डायरेक्शन और साथ ही अच्छी एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए भी जरूर देखिए। सास बहू और साजिश की तरफ से सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार्स। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।